राधे राधे आप सबको। आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी का मेकअप करने जा रही हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी पास है और इनका कम से कम 5-6 साल हो गई होगी जब मैं लेके आई थी, जब से अब तक इन पे कलर नहीं हुआ बिल्कुल भी, तो इनका कलर थोड़ा फेड हो चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा इनको दोबारा इन पे मेकअप किया जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मेकअप किस तरीके से करती हूँ, और देखना एकदम बिल्कुल चेंज हो जाएंगे ये मेकअप होने के बाद। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिए इस वीडियो को। अब आप सब देखिए इन पे धीरे धीरे ब्लैक कलर होता जा रहा है, तो इन पे अलग ही शाइन आती जा रही है और एकदम सुंदर लग रहा है, न्यू कलर लग रहा है। तो अब इसका कलर कंप्लीट करके मैं आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पर इनका ब्लैक कलर पूरा अच्छे से सूख चुका है, सूखने के बाद अब मैं इन पे मेकअप करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इनका आई मेकअप करूँगी।
हो चुका है कंप्लीट। इनका मेकअप सूखने के बाद मैं करने जा रही हूँ इन पे वार्निश, जो वार्निश करना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने कलर किया है वो उससे छूटेगा नहीं। तो आप लोगों को कैसा लगा इनका ये मेकअप? देखो, मेकअप होने के बाद इनका पूरा लुक चेंज हो चुका है, अच्छे से शाइन भी आ चुकी है। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दे दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।